नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर। मेरे साथ ये समाचार। हिंदूवादी संगठन के नेता जितेंद्र बैंस ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा। नूरपुर विधानसभा से हिंदूवादी संगठन के नेता जितेंद्र बैंस ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नूरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। मुरादाबाद मार्ग स्थित अपने कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, गत कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के अनुसंगठित संगठनों के कर्मठ कार्यकर्ताओं के रूप में पार्टी तथा हिंदू समाज की सेवा में लगा रहा हूं। देखिए यह समाचार मेरे साथ। मना करके कि चलो जैसा हुआ ठीक है, ये तो मुझे ही पता था कि निर्णय गलत लिया गया, लेकिन समाज के अंदर से जिस प्रकार के फोन आ रहे हैं और चीजों के माध्यम से ये सब कुछ चल रहा है, परिवार की जो कलह है, ये सब चीजें समाज के अंदर जा रही हैं। समाज को सब पता है। समाज का यदि हम निष्पक्ष सर्वे कर लें तो समझ में आएगा कि कितना विरोध समाज के अंदर उस व्यक्ति का है, क्योंकि उस व्यक्ति का कभी हिंदुत्व से कोई रीति नीति रही नहीं, उसका कोई कभी मतलब रहा नहीं। पूर्व विधायक लोकेंद्र जी के भाई हैं, ऐसा माध्यम बना करके वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जाना नहीं रहा हो, समाज के सुख दुख में सहभागिता नहीं रही हो, वो लोकेंद्र के नाम पर टिकट ला करके ये काम करने का काम कर रहे हैं। इस कारण से समझ, बिल 2013 में आ रहा था, उस बिल का नाम था सांप्रदायिक लक्षित हिंसा बिल, और उस बिल के आने पर इस हिंदू समाज का सब कुछ समाप्त होने वाला था। लोग बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। कलेक्ट्रेट में कई हजार हिंदुओं को एकत्रित करके चलने का काम मैंने कार्यकर्ताओं के साथ में किया और कलेक्ट्रेट घेरा गया था। उस समय का वो इतिहास साक्षी है, न्यूज़पेपर्स वगैरह में सबने कहा था कि कलेक्ट्रेट हिंदू जागरण मंच ये सब कुछ रहा था। और ये पहला प्रदर्शन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होकर के पूरे देश के अंदर चला था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से शुरू हुआ था, बिजनौर से चल करके पूरे प्रदेश और पूरे प्रदेश से पूरे देश में गया था। कई श्रेणियों में लोग लगे थे, उन श्रेणियों को जब पूर्ण रूप से काम किया गया उन सब श्रेणियों पर, तो वो सांप्रदायिक लक्षित हिंसा बिल को रोकने का काम सरकार के द्वारा किया गया था। अगर वो सांप्रदायिक लक्षित हिंसा बिल लागू हो गया होता तो इस भारतवर्ष से ही इस हिंदू समाज का अस्तित्व समाप्त हो जाता। ये सारे काम हम लोगों ने इस हिंदू समाज को माध्यम बनाकर, आज मैं आप लोगों के बीच में जो हूं, मैं पूर्ण निश्चितता के साथ में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। यानी कि मैं चुनाव लड़ने का पूरा मेरा मन है और मैं चुनाव लड़ने की ही तैयारी के साथ में आप लोगों के बीच में आया हूं। आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का माध्यम ये लेकर के मैं आया हूं समाज के बीच में ज्यादा से ज्यादा विषय जाए, क्योंकि लोगों के अंदर ये भ्रांतियां हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा। कुछ लोगों ने कहा कि कुछ और तो नहीं है, लेकिन मेरे जो सिद्धांत है, जिन सिद्धांतों को लेकर के मैंने अपने जीवन को लगाने का काम किया, अपने परिवार को परिवार ना मान करके इस समाज को अपना परिवार मानने का काम किया, अपने व्यक्तिगत परिवार को दूसरे नंबर पर रख करके ये हिंदू समाज पहले नंबर पर है ऐसा मान करके मैंने हिंदू समाज के लिए काम करने का मन किया है, तो मैं पूरी निश्चितता के साथ में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ।